सीरियल ससुराल सिमर का में डायन इंद्रावती ने सिमर को एक घड़े में कैद कर दिया है। अपकमिंग एपिसोड में गुरुजी की मदद लेकर परिवार वाले सिमर को उस घड़े से आजाद करने के लिए कई इम्तिहान देंगे। तो आइए आपको इस शो के सेट पर ले चलते हैं, जहां पूरा परिवार परीक्षा के पहले पड़ाव को पार करने की कोशिश में लगा है। ये सबसे पहला पड़ाव है हमारा यहाँ आने के बाद, जो कि एक बहुत बड़ा दलदल है। यहाँ से लेकर वहाँ तक उसका सिरा नहीं मिल रहा, और बीच बीच में ऐसे कुछ कुछ पत्थर हैं जिनके ऊपर पांव रख के हमें जाना है। और गुरुजी ने हमें पहले ही कह दिया था कि हर पड़ाव में जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ती जाएंगी। तो ये सबसे पहला जो है, क्योंकि अभी तक तो जो हम जंगल रास्तों से आए, आपने देखा ही होगा, वो तो मुश्किल था ही। ये ऐसा तो कभी हमने ज़िंदगी में, माताजी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन इस तरह का कष्ट तो कभी नहीं उठाया। लेकिन ये मैं जानती हूँ कि अपनी सिमर को बचाने के लिए मैं ये कष्ट ज़रूर उठाऊँगी। वो आपने बचपन में अपनी फेरी टेल कहानी सुनी होगी कि एक औरत ऐसे भाग रही होती है और वो पीछे मुड़कर देखती है और वो सॉल्ट की बन जाती है। तो जब भी मैं ये लाइन बोलती हूँ, मेरे सामने वही नमक की बनी हुई मूर्ति आती है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ अगर पीछे मुड़कर आपने देख लिया, तो ये जो डायन जो है, उन्होंने जो माया जाल बिछाया है फैंटेसी की तरह, हम उसमें उलझ कर रह जाएंगे। तो वो हो ही गया हमसे, बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे को इतना घुमा दिया कि हम दिशा हारा हो गए। हमें पता ही नहीं चला कि हम किस ओर जा रहे हैं, और ऐसा करते करते हम पलट गए। और जैसे ही पलटे, उसके बाद हमें पता नहीं हम कहाँ हैं, और वहाँ से निकलने के रास्ता ढूंढेंगे। पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दी थी बात कि इस यात्रा में मेरा अंत भी हो सकता है, या आप में से किसी को भी तकलीफ़ हो सकती है, पर ये यात्रा ख़त्म नहीं होगी, बंद नहीं होगी। हम मंदिर तक पहुँचेंगे, चाहे मैं पहुँचूँ चाहे कोई और पहुँचे, लेकिन हम जो ये पांच निकले हैं घर से, इनमें से कोई भी जीवित रहा तो मंदिर पहुँचेगा, मंदिर के अंदर जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि जो 150 साल तक वो मंदिर की किवाड़ बंद है, उस जिस जो पहला इंसान होगा, मनुष्य होगा, जो मंदिर का दरवाज़ा खोलेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो ये सारी जद्दोजहद, जितनी यात्रा, जितनी पड़ाव पार कर रहे हैं हम, वो उसी दरवाजे को, ज़िंदगी बड़ी कठिन है माताजी के लिए भी, और इस वक्त तो जयती के लिए भी किसने कहा था एक्टर बनने के लिए